हेलो दोस्तों, एलडीसी रेलवे टेक एंड मैथमेटिक्स में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग टाइप 3 यानी प्रतिशत से टाइप 3 क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे, जिसमें अपरिवर्तित संबंधित प्रश्न है। क्योंकि अपरिवर्तित संबंध प्रश्न जो है बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है, जैसे RRB में अर्थात रेलवे, SSC, बैंकिंग, सभी विभागीय परीक्षा जितने भी है, LDC, JEE का, सभी में यह क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें और यह वीडियो बहुत ही रोचक होने वाला है। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, इसमें जो है एक ही क्वेश्चन को कई तरीकों से लिखा गया है और कई तरीकों से पूछा गया है, जो कि इसी तरह हर एक एग्जाम में, सभी एग्जाम में, जैसे SSC, बैंकिंग या रेलवे, सभी में यह क्वेश्चन कई तरीका से पूछा जाता है और बच्चे जो है वहां पर कंफ्यूज कर जाते हैं। ठीक है, इसलिए एक ही क्वेश्चन को कई तरीकों से मैंने अपने हाथों से टाइपिंग करके बनाया है। ठीक है, इसलिए आप लोग ध्यान से देखें और वीडियो को पूरा देखें। साथ ही साथ ये भी मैं बता दूं कि इस चैनल के माध्यम से ALP टेक्नीशियन के लिए जितने भी टेक्निकल क्वेश्चन है, ITI ट्रेड से संबंधित, उस सभी ट्रेडों को PDF जो है, टेक्निकल क्वेश्चन का PDF जो है प्रोवाइड कराया जाता है। जैसे फिटर, बेल्डर, मशीनिस्ट, टर्नर, ऑटोमोबाइल, यानी सभी का PDF जो है यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। और LDC, JEE के लिए भी यहाँ से ITI से संबंधित जितने भी ट्रेड हैं, उस सभी ट्रेड का, तथा साथ ही साथ पास, PTO, DN, AR, स्टोर, ALHB, ICF, डेमो, मेमो, वैगन, यानी सभी प्रकार के यहाँ से PDF आप प्राप्त कर सकते हैं। और PDF कैसे प्राप्त कीजिएगा, इस वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे। ठीक है, चलते हैं देर ना करते हुए क्वेश्चन पर। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि देखिए, मैंने अपने हाथों से मैंने यहाँ पर नियम को लिखा है। आप देख सकते हैं कि नियम में क्या लिखा है कि प्रतिशत वृद्धि या कमी हो जाने पर वांछित प्रतिशत वृद्धि कमी जिनका मान अपरिवर्तित रहे, तो सूत्र जो है क्या लगेगा, x/100 + -x × 100 होता है। इसको इस तरीका से भी लिख सकते हैं, मैंने वहां पर लाइन में लिखा है, यानी x/100 + -x × 100। इसी आधार पर यह सारे के सारे क्वेश्चन बनेंगे। यहाँ पर वृद्धि होने पर जोड़े तथा कमी होने पर घटाएं, और सारे के सारे क्वेश्चन में 20% की कमी हुआ है। ठीक है, 20% की कमी हुआ है, इसलिए हम वहां पर घटाएंगे। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर अब एकाग्र होकर देखिए, एक ही क्वेश्चन को कई तरीकों से लिखा गया है, जहां पर आप लोग को कंफ्यूज सबसे अधिक होते हैं। देखिए, एक नंबर में है कि कोई कोचिंग अपना शुल्क 20% कम कर देता है, तो छात्रों की संख्या कितना प्रतिशत हम बढ़ाएं कि आय में कोई परिवर्तन ना हो। यदि आप कोचिंग का हम शुल्क जो है, फी जो है 20% कम कर देते हैं, तो छात्रों की संख्या हमको बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो हमारा आय में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो वही कह रहा है कि छात्रों की संख्या कितने प्रतिशत जो है बढ़ाएं, लेकिन शुल्क जो है कितना हम प्रतिशत कम किए हैं, 20%। ठीक उसी प्रकार उसी क्वेश्चन को दूसरी भाषा में देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल XY है, यदि X का मान 20% कम हो जाए। देखिए यहाँ भी है कि 20% कम हो जाए, सभी क्वेश्चनों में 20% कम हो रहा है, इसलिए हम X में यहाँ पर माइनस करेंगे। ठीक है, सूत्र में जो है माइनस करेंगे, हो जाए तो वाई का मान कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए ताकि गुणनफल अपरिवर्तित रहे। ठीक है, एक समान जब हम घटा रहे हैं तो निश्चित है कि वाई का मान हमको बढ़ाना पड़ेगा, तब XY का गुणनफल वही के वही रहेगा जो पहले आ रहा था। देखिए दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक निश्चित समय और चाल से कोई दूरी तय किया जाता है, यदि चाल 20% कम कर दिया जाए तो समय कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए ताकि समान दूरी तय करे। यहाँ भी जो है 20% कम किया गया है, यानी सारे के सारे क्वेश्चन में 20% कम किया गया है, और कुछ क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग है, इसी तरीका का प्रयोग एग्जाम में किया जाता है, जिसे बच्चे जो है कंफ्यूज कर जाते हैं। ठीक है, हम आगे देखते हैं। आगे जो है, आगे इसी क्वेश्चन को फिर कैसे लिखा है कि
कि किसी आयत का आयत वर्ग त्रिभुज का एक भुजा 20% कम हो जाता है तो दूसरा भुजा को कितना प्रतिशत हम बढ़ाएं ताकि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। ठीक है, यहाँ पर है कि आयत वर्ग या त्रिभुज से लिया गया है कि आयत वर्ग या त्रिभुज को 20% अगर कम कर दिया, यहाँ भी देखिए 20% कम किया गया है। ठीक है, यहाँ भी 20% कम किया गया है, तो 20% कम किया गया है, इसमें भी कह रहे कि एक भुजा को कितना प्रतिशत हम बढ़ाएं ताकि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि किसी वस्तु के मूल 20% कम हो, देखिए यहाँ भी 20% कम हो रहा है, तो खपत में कितना प्रतिशत बढ़ा है ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे। अगर मूल जो है किसी वस्तु का मूल अगर कम हो रहा है तो निश्चित है कि खपत बढ़ जाता है, तो उस खपत को कितना हम बढ़ाए, इतना ना खपत बढ़ा देगी फिर हमारा मतलब कि खर्च जो भी बढ़ जाए खर्च वही रहे अपरिवर्तित रहे। यहाँ पर कह रहा है खर्च अपरिवर्तित रहे, खर्च वही रहे तो खपत को हम कितना प्रतिशत बढ़ाएंगे, तो उसके बारे में हम लोग सॉल्व करेंगे। और सारे के सारे क्वेश्चन हम एक ही तरीका से हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए उसी क्वेश्चन को इस तरीका का भी प्रयोग किया जाता है जो सबसे अधिक तरीका इस तरीका का प्रयोग होता है। देखिए ए बी से 20% कम है तो बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है, बी जो है ए से अधिक है तो ए कितना प्रतिशत अधिक है, यही क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है। देखिए वही क्वेश्चन है दूसरे तरीका से, देखिए फिर उसी क्वेश्चन को फिर इस तरीका से भी कहीं कहीं आपको देखने को मिलता है कि किसी संख्या को 20% कम कर दिया जाता है, पुनः इसे कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए ताकि संख्या का मान अपरिवर्तित रहे। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को मैंने जितना भी क्वेश्चन लिखा है उतने किताबों से मैंने टाइपिंग किया है, मैंने देखा कि एक ही क्वेश्चन को हर एक किताब में अलग अलग तरीकों से टाइप किया जाता है। जैसे आर्य सरवाल, सगीर अहमद, मतिहारी के सुबोध सर हैं, या आपको एसपीडी का ले लीजिए, प्लेटफॉर्म का ले लीजिए, क्योंकि सारे के सारे बुक में एक ही क्वेश्चन को कई तरीका से पूछा गया है, इसलिए मैंने टाइपिंग करके सारे क्वेश्चन को मैंने इकट्ठा करके एक जगह करके और सबको एक साथ जो है एक ही बार में मैं बता दूं ताकि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ जाए। और कहीं भी आप लोग चाहे ग्रुपिंग करते हो या एग्जाम में जाते हो जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सके। क्वेश्चन तो सभी लोग बनाते हैं लेकिन क्वेश्चन को जितना जल्दी हम बनाए इसी में सबकी भलाई होता है, हमारे समय की बचत होता है ताकि आगे क्वेश्चन बनाने के लिए हमको समय बचता है। मोतिहारी में भी बहुत सारे हमारे भाई हैं जो कि ग्रुपिंग करते हैं और वहां पर मैथ क्वेश्चन जो है 100 क्वेश्चन वहां पर ग्रुप में दिया जाता है, इसमें 50 गो मैथ ही रहता है और 50 गो और उसके लिए मात्र 45 मिनट समय दिया जाता है, 45 मिनट में वो क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है, इसलिए हम ट्रिक के माध्यम से वो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ताकि जल्दी से जल्दी क्वेश्चन बने और आगे फिर हम लोग समय को बचाए और आगे बढ़े। देखिए मैं सभी क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, देखिए कैसे बनेगा। देखिए सबसे पहले ध्यान देने जो बात है कि सभी क्वेश्चन में क्या है कि 20% की कमी हो रहा है और सूत्र में भी वहां पर मैंने ऊपर मैंने फर्स्ट में लिखा है कि कमी होने पर घटाए और वृद्धि होने पर जोड़े, और मैंने सूत्र ऊपर लिखा था कि एक्स बटा 100 प्लस माइनस 100। ठीक है, तो यहाँ पर सभी क्वेश्चन में 20% की कमी हो रहा है इसलिए यहाँ पर हम घटाएंगे और इसी सूत्र के आधार पर हम सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा एक ही बार में। तो एक्स की जगह पर यहाँ पर 20 है यानी यहाँ पर प्रतिशत रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 20 बटा 100 प्लस माइनस, तो यहाँ पर प्लस माइनस जो है यहाँ पर 20% तो कमी हो रहा है तो प्लस नहीं होगा, यहाँ पर केवल माइनस होगा, माइनस 20 गुना 100। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 20 बटा 80 गुना 100। अब इसको कटा लीजिए, 20 चौका 80 और 4 से इसको कटा दीजिए। ठीक है, 25 चौका 100 यानी 25% जो है सभी क्वेश्चन में क्या होगा, कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए, सभी में क्वेश्चन है कि कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए। ठीक है, ताकि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो, ठीक है, समय में कोई मतलब कि कोई परिवर्तन ना हो या खपत अपरिवर्तित रहे, ये जितने भी है सभी में 25% जो है बढ़ाया जाएगा। ठीक है, बढ़ाया जाएगा।
ठीक है, लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। तो सभी क्वेश्चन का आंसर जो है हो जाएगा 25%। यह वीडियो आप लोगों को, हमको जहां तक विश्वास है कि अच्छा लगा होगा। मैं आगे भी क्वेश्चन देखिए, मैं इसी क्वेश्चन को इसी आधार पर मैं और भी मैं क्वेश्चन बनाऊंगा जो देखने में बहुत ही रोचक है और मजा भी आएगा। और देखिए उसी क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीका से भी मैंने लिखा है, जो कि इस तरीका से भी लिखा जाता है। देखिए इस क्वेश्चन को भी मैं उसी तरीका पर मैं सॉल्व करूंगा। जैसे कह रहा है कि तेल के मूल्य में 20% की वृद्धि हो रहा है, ठीक है। सभी को उधर क्वेश्चन में क्या था कि 20% की कमी हो रहा है, ठीक है। अब वही 20% के जगह पर 10% है, और वृद्धि के जगह पर, कमी के जगह पर यहाँ पर वृद्धि है। तो वृद्धि है तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक है। वो जितने भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है उसमें 20% की कमी था, ठीक है। मैं उसको भी एक बार देखिए, मैं फिर वृद्धि करके मैं उसको मैं बना दे रहा हूँ, ठीक है। उस क्वेश्चन में, सारे क्वेश्चन में क्या था कि 20% की कमी था, ठीक है। अगर यहाँ पर 20% की कमी के जगह पर वृद्धि अगर रहता तो आप क्या करते हैं? सभी क्वेश्चन पर अगर वृद्धि रहता तो यहाँ पर हम 20 को जो है जोड़ देते हैं, ठीक है। यानी 100+ यहाँ पर 20 हो जाता, ठीक है, और गुना 100 हो जाता, ठीक है। तो ये कितना हो जाता, 20/120 गुना 100, ठीक है। तो 20 × 20 हो जाता, ठीक है, 20 × 20। और ये हो जाता, एक बार और कटा दीजिए इसको, 50 × 100 और 3 × 6, यानी 50/3, मतलब कि 16.48 और 50/3%। यानी अगर यहाँ पर 20% के जगह पर वृद्धि, 20% कमी के जगह पर यहाँ पर वृद्धि रहता तो इसका आंसर 16.2/3 हो जाता। तो यहाँ पर बढ़ाया के जगह पर यहाँ पर घटाया हो जाता, ठीक है। घटाया यहाँ पर हम, घटाया घटाया जाए ताकि मान अपर होते, जब यहाँ पर वृद्धि होगा तब यहाँ पर घटाया जाएगा, जब यहाँ पर कमी होगा तो यहाँ पर बढ़ाया जाएगा। तो इस तरीका का, अगर सारे क्वेश्चन को फिर मैं बनाऊं तो इतना क्वेश्चन को फिर से टाइपिंग करना पड़ेगा। तो आप हमको जहां तक विश्वास है कि समझ गए होइएगा। अगर यहाँ तक वीडियो में बने हैं तो लाइक और शेयर जरूर कर दे। मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोग को केवल लाइक और शेयर करना है और वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है। देखिए फिर मैं यहाँ पर आ गया वृद्धि, सेम जो मैंने अभी मैं बता रहा था वही आ गया कि यहाँ पर वृद्धि है। तो जब यहाँ पर वृद्धि है तो यहाँ पर कमी हो जाएगा, कमी पूछा जाएगा। इसी क्वेश्चन को कई तरीका से पूछा जाता है। देखिए तेल के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तो उसके खपत में कितना प्रतिशत की कमी हो जाए ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे, लेकिन क्वेश्चन में 10% की वृद्धि कर रहा, ठीक है ना। तो 10% की वृद्धि है तो हम 10 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। सूत्र पहले हम यहाँ पर लिख दें, सूत्र में क्या था कि एक्स एक्स बटा 100 + - एक्स गुना 100, ठीक है। तो एक्स जगह पर यहाँ पर 10 है और सभी जो है यहाँ पर वृद्धि है तो 100 में हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। 10 को जोड़ देंगे और गुना 100 करेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 10/110 × 100, ठीक है। तो यह इसको आराम से कट जाएगा, 11 × 110, और ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 100/11। तो 11×99, यानी 9.1/11%, यानी 9.1/11% कमी किया जाएगा तो खर्च में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। यह वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर एक शर्त लगा दिया है कि देखिए यहाँ पर शर्त यह है कि जब अपरिवर्तित वाला प्रश्न में एक्स का मान प्रतिशत में न देकर अंक में दिया हो तो आप क्या कीजिएगा। वहां पर सभी क्वेश्चन में आपने देखा कि 20% कमी किया जाए या 10% वृद्धि किया जाए, उस प्रतिशत के एक्स के जगह पर प्रतिशत का मान न देकर अंक में अगर देते हैं तो क्या होगा। तो
कब कैसे बनाइएगा, तो उसके लिए यह सूत्र दिया गया है कि दोनों अंकों का अंतर, जो भी कोई अंक होगा वो दोनों अंकों का अंतर निकालिएगा, भागा, भागा के मतलब बाटा, जब कमी पूछे तो अधिक वाला अंक जो है नीचे रखें, तथा जब वृद्धि पूछे तो नीचे कम वाला अंक रखें, गुणस है। ठीक है, इसको मैं बनाकर इसी क्वेश्चन में सूत्र को मैं लिखूंगा इस क्वेश्चन में, आप देखिएगा किस टाइप से है। देखिए उसी आधार पर यह क्वेश्चन है कि यहाँ प्रतिशत के जगह पर अंक दे दिया है। ठीक है, और इसी क्वेश्चन को टाइप वन जो मैंने वीडियो बनाया है सेम यही क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को अपरिवर्तित पर सजा दिया है। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है 3 नंबर में कि चीनी का मूल्य 5 रुपया से घटकर 4 रुपया हो जाता है, 5 रुपया से घटकर कितना हो रहा है, 4 रुपया हो रहा है, तो बिक्री कितना प्रतिशत, देखिए बिक्री यानी कितना प्रतिशत हम बढ़ाए ताकि आय में कोई मतलब परिवर्तन ना हो, अपरिवर्तित रहे हैं। चीनी के मूल्य जो है 5 रुपया से घटकर अब तो 4 रुपया हो गया, तब तो हमको बिक्री बढ़ाना पड़ेगा ना भाई, बिक्री नहीं बढ़ेगा तो हमारा घाटा लगने लगेगा, आय में कमी आने लगेगी, इसलिए हमको बिक्री को बढ़ाना पड़ेगा। तो वही कह रहा है कि कितना प्रतिशत हम बिक्री को बढ़ाए। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ सूत्र में क्या कह रहा है कि दोनों अंकों का अंतर यानी 5 माइनस 4 बटा क्या कह रहा है भागा, जब कमी पूछे तो नीचे जो है अधिक वाला रखें और अधिक पूछे तो नीचा जो है कम वाला रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए। देखिए यहाँ पर बढ़ाने की बात कर रहा है तो हम कम वाला नीचा रखेंगे, कम कौन सा है, 4 है। ठीक है, और उसमें जो है हम 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, जहां तक हमको विश्वास है कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर ये आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कर दें। यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 5 में से 4 घटेगा तो क्या होगा, 1 1/4 × 100। ठीक है, और इसको आराम से कटा लीजिए, 25 चौका 100, अर्थात हम हमारे बिक्री में जो है 25% जो है बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, जहां तक विश्वास है कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, और इसका पीडीएफ भी आप प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए भी आप व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करना होगा। मैं अभी वीडियो के अंत में मैं बताऊंगा कि कैसे आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं, या टेक्निकल कोई भी क्वेश्चन का पीडीएफ कैसे प्राप्त कीजिएगा। देखिए उसी क्वेश्चन को इस तरीका से मैं कैसे पूछ, ये तरीका का प्रयोग ही बहुत ज्यादा एग्जाम में होता है और इसे बच्चे जो है कंफ्यूज करते हैं। देखिए चीनी का मूल्य 16 रुपया प्रति किलोग्राम से बढ़कर 18 रुपया प्रति किलोग्राम हो जाता है, तो गृहिणी को चीनी की खपत कितना प्रतिशत कम कर दिया जाए ताकि इस मद पर खर्च ना बढ़े। ठीक है, अब चीनी का मूल्य जो है 16 रुपया से बढ़ करके 18 रुपया हो जाता है। ठीक है, तो जब 18 रुपया हो जाता है तब तो खपत जो है कम करना ही पड़ेगा ना, लेकिन घर गृहिणी जो है अपना जो है जितना डालती है उतना डालती ही रहती है, जो भी खर्च पड़ेगा तो गार्जियन के ऊपर ना पड़ेगा भाई, वो अपने खपत में कोई अब गार्जियन को परेशान करती है, लेकिन गार्जियन जो है ये सोचता है कि हम खपत को इतना हम कम कर दे ताकि हमारा खर्च जो है रुपया जो पॉकेट में जो है वो खत्म ना हो, जेब के तेल जितना खर्च होता था उतना ही बना रहे। ठीक है, क्योंकि जो कमाता है वही समझता है, लेकिन गृहिणी के यहाँ पर क्वेश्चन है कि गृहिणी जो है कितना जो है चीनी को हम खपत कर दे प्रतिशत में कि मद पर कोई खर्च न बढ़े। ठीक है, तो अभी मैंने सूत्र लिखा, फिर मैं लिख देता हूं कि दोनों संख्याओं का अंतर यानी 18 माइनस 18 माइनस 16 बटा, देखिए अब कितने खपत जो है क्या कह रहा है, ये गृहिणी को चीनी खपत कितना प्रतिशत कम कर दिया जाए, यहाँ पर कह रहा है कि कितना प्रतिशत कम कर दिया जाए, तो हम यहाँ पहले भी मैंने समझाया समझाया है कि अगर कम पूछता है तो अधिक वाला नीचा रखेंगे और अधिक पूछता है तो कम वाला नीचा रखेंगे। ठीक है, कम पूछे तो अधिक वाला जो है नीचे रखेंगे। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर जो क्या पूछ रहा है, कम तो अधिक वाला नीचा रखेंगे, 18 × 100, अब देख लीजिए ये घटाने पर कितना आ जाएगा, 2 बटा 18 × 100, यहाँ पर लिखना भूल गए, गुना
100, ठीक है, तो इसको कटा लीजिए, 9 दुनी 18 यानी कितना हो गया 100/9। तो इसको हम जो है पूर्णांक में तुलेंगे, 11/99, 11.1/9%, 11.1/9% जो है हम जो है कम कर देंगे तो हम खर्च जो है नहीं बढ़ेगा, ठीक है। चलिए, यह जो वीडियो है हमको जहां तक विश्वास है कि आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। वीडियो कैसे लगा, लाइक और शेयर जरूर करेंगे। अब बारी है कि आपको यह बता दें कि इस वीडियो का पीडीएफ या जितनी भी टेक्निकल क्वेश्चन है उस पीडीएफ कैसे मिलेगा। तो इस सभी का पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट करना होगा, और कॉल नहीं कीजिएगा, केवल आप मैसेज कीजिएगा। और जिन भाइयों को मैसेज भेजना है या वो जो पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं या लेना चाहते हैं वही मैसेज करेंगे, फालतू का मैसेज नहीं करेंगे। ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो इसके लिए है 96-93-57-14-26, इस पर आप लोग मैसेज करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। एलडीसी के लिए जितने भी टेक्निकल क्वेश्चन जो है, आईसीएफ, एलएचबी, डेमो, मेमो, वैगन, सभी प्रकार के यहाँ पर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ आईटीआई के जितने भी ट्रेड हैं उस सभी का पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। वर्कशॉप वर्कशॉप से भी जितने भी टेक्निकल क्वेश्चन आते हैं, आईसीएफ, एलएचबी या मशीनिस्ट से भी, तो सभी जितने भी, जैसे कि मशीनिस्ट, टर्नर, ऑटोमोबाइल, फिटर, वेल्डर, जितने भी है, मशीनिस्ट में भी बहुत सारा आते हैं, जैसे चाका का लेथिंग जो होता है, डिपार्टमेंटल एग्जाम में जो पूछता है चक्के से, जैसे कि लेथ मशीन, सेफर मशीन, स्लोटर मशीन, प्लेनर मशीन, ड्रिल मशीन, जितने भी मशीनिस्ट है सभी का पीडीएफ यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। और एएलपी टेक्नीशियन के लिए भी जो ट्रेड वाइज जो जिसको आवश्यकता है वह ले सकता है, ठीक है। हमको जहां तक विश्वास है कि यह पीडीएफ जो है या ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि एक ही क्वेश्चन को कई तरीका से पूछा जाता है। मैंने 4 क्वेश्चन ही सॉल्व किया है, देखिए मात्र 4 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है, और 4 क्वेश्चन का मतलब हुआ कि यह जो है 10-10 क्वेश्चन, एक टाइप पर 10 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है, एक टाइप पर 10 क्वेश्चन रहते हैं। तो अगर 4 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया तो इसका मतलब हो गया कि 40 क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। जैसे आपको हमने बता दें कि ऊपर में जो है ये जो दिया था, और कोचिंग पर आधारित क्वेश्चन है तो कोचिंग पर ही 10 क्वेश्चन देता है, संख्या पर आधारित है तो 10 क्वेश्चन संख्या पर ही दे देता है, ठीक है। तो इस टाइप से मैंने सभी क्वेश्चन को इकट्ठा करके और सभी क्वेश्चन को एक बार में मैंने सॉल्व करने का प्रयास किया है। जहां तक हमको विश्वास है कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा, यह क्वेश्चन कैसा लगा, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।